नजरिया अलग है। जीवन में हम अक्सर किसी चीज को पूरी तरह जांचे बिना उसकी आलोचना कर देते हैं। वास्तव में किसी भी प्रक्रिया को समझने का दृष्टिकोण फर्क हो सकता है। इसी विषय पर मेरे ख्याल इस कविता में सुनिए, नजरिया अलग है। स्कूल की घंटी की आवाज का कभी ना बदलना, सुनकर बच्चों का मायूसी से क्लास को निकलना, लेकिन दोपहर को सुन घंटी उत्साह की लहर का उठना। घंटी तो वही है, सिर्फ नजरिया अलग है। आकाश में सूर्यास्त जैसे संकेत का होना, गृहिणी को भोजन और ब्राह्मण को प्रार्थना, वही चोर को इशारा हो जा काम पे रवाना। सूर्यास्त तो वही है, सिर्फ संकेत अलग है। खत को डाकिए का घर लेकर आना, जरिया है खुशी के संदेश को सुनाना, पर कई बार दुख का पैगाम भी पहुंचाना। खत तो वही है, सिर्फ संदेशा अलग है। माचिस से अक्सर सिगरेट को जलाना, अंगीठी में माचिस से आग भी लगाना, उसी माचिस से उग्रवादी का तबाही मचाना। माचिस तो वही है, सिर्फ अंजाम अलग है। करीबी के चले जाने से पीड़ा का होना, छाती पीट के इजहार और जोर से रोना, या किए आंखें नम चुप से एहसास करना। पीड़ा तो वही है, बस उसका सहना अलग है। जला लकड़ी चूल्हे पर खाना पकाना, या मजबूत लकड़ी से मकान बनवाना, या सूखी लकड़ी को शमशान में जलाना। लकड़ी तो वही है, सिर्फ इस्तेमाल अलग है। दरिया को सृष्टि के अनुसार बहते रहना, करो तैर के पार या सहारा नाव का लेना, या बना के तजवीज पुल का निर्माण करना। दरिया तो वही है, पार जाने का तरीका अलग है। कलम से रोचक बयां कागज पे लिखना, या सपनों को कर उजागर उत्साह बढ़ाना, वहीं कड़वी लिखाई का आवाम को उकसाना। कलम तो वही है, अंदाजे बयां अलग है। सावन का महीना और बरसात का आना, खुश होना किसान का और मोर का नाचना, लेकिन बेघर इंसान का व्याकुल हो जाना। बरसात तो वही है, सिर्फ नजरिया अलग है। सिर्फ नजरिया अलग है।